यहाँ पर भगवान कारागार के अंदर जाते हैं, अपने माता पिता को कारागार से बाहर निकालते हैं, अपने बाबा उग्रसेन जी को कारागार से बाहर निकालते हैं, देव की माता भगवान को हृदय से लगाती है। इतने वर्षों का इंतजार, उग्रसेन जी को राजा बनाया जाता है, कुछ समय भगवान रहते हैं, उसके बाद वसुदेव जी उन्हें गुरुकुल भेज देते हैं। गुरुकुल में भगवान की भेंट होती है सुदामा जी से। ये गुरुकुल के मित्र हुए भगवान के, तो उनकी भेंट सुदामा जी से होती है। अब यहां पर एक दिन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है, तो गुरु माता के पास जाते हैं। गुरु माता ने कहा, लकड़ियां तो खत्म हो गई है, काम करो, वन जाओ, कुछ लकड़ियां काट कर लेकर आओ, तब तक मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। रास्ते में अगर ज्यादा भूख लग जाए तो ये कुछ चने दे रही हूं, दोनों मिल बांट कर खा लेना। चने की पोटली सुदामा जी के हाथ में दी गई। दोनों जाते हैं, लकड़ियां काटते हैं, वापस लौट रहे हैं कि वर्षा होने लगती है, तो दोनों एक एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। अब वर्षा थोड़ी हल्की हुई, लेकिन हो रही है, भगवान कह रहे थोड़ा और इंतजार करते हैं। इसी बीच सुदामा जी को लगती है भूख, उन्होंने चने खाने शुरू किए, अपने हिस्से के खा लिए। अब उनको लग रहा है थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा, थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता, थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही खा लेते। इस बीच भगवान आवाज देते हैं कि सुदामा तुम चने खा रहे हो, तब तक उन्होंने काफी खा लिए थे। सुदामा जी कहते नहीं तो, अरे मुझे आवाज आ रही है चबाने की। बोले वो वर्षा से ठंड बढ़ गई है, दांत बज रहे हैं। अच्छा ठीक है, सुबह हो जाती है। सुबह दोनों उतरते हैं, भगवान कहते हैं अरे सुदामा वो चने देना, बड़ी जोर की भूख लगी है। सुदामा जी रोने लग गई कि मैंने वो चने खा लिए। भगवान कहते कोई बात नहीं, वहां पर कहना दोनों ने मिल बांट कर खा लिया। पर गुरु जी ने गुरुकुल में बैठे बैठे ही वो दृश्य देख लिया। गुरु जी ने कहा, आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली, किसी का हक नहीं मारना। मैं हमेशा, मैंने पहले भी कथा में कहा है, आपको अपने हिस्से का जितना चाहिए लीजिए, खूब मेहनत करिए, खूब धन कमाइए, नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा हर चीज प्राप्त करिए, कोई गलत नहीं है। अपनी मेहनत का है तो क्या गलत है, मेहनत कर रहे हैं उस चीज के लिए, किसी और का हक नहीं मार। जब आप किसी और का हक मारते हैं तब आप अपने जीवन में दरिद्रता लिखते हैं, और आएगी। सुदामा जी के जीवन में तुरंत नहीं आई, घर चले गए, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद दरिद्रता आई, और ऐसी कि घर में अन्न का दाना नहीं था, ऐसी अवस्था हो गई थी उनकी। तो किसी और का हक नहीं मारना। यहां तो बात भगवान हमेशा यही सिखाते हैं कि अपने में से जितना हो सके वो भी दो। वो नहीं भी कर रहा है व्यक्ति तो किसी और का हक तो बिल्कुल, कहते ना कि आप अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा तो मत बोलो, कि करने तो भगवान आपको अच्छा ही कह रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी वो भी नहीं कर रहे तो कम से कम बुरा तो मत करो।